गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मदरसूल। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड फोर में सब्जेक्ट हिंदी उसमें यूनिट नंबर टू पढ़ने वाला यानी कि व्यंजन। इसका पहला टॉपिक कौन सा है? व्यंजन। तो उसमें हम रिविजन करेंगे। तो मैंने आपको जो बेसिक वीडियो बनाया था उसमें भी स्वर व्यंजन पढ़ाया था और यूनिट वन में भी पढ़ाया था। अब फिर से एक बार व्यंजन की पढ़ाई करते हैं। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 निकालना है। तो मित्रों, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा व्यंजन है। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है। तो पहला है क। तो आपको भी मेरे साथ बोलना है क। ख, ख, ग, 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 च, च, छ, छ, ज, 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 ट, ट, थ, थ, ड, ड, ट, ड, अण, अण, ट, ट, थ, थ, ड, ड, ध, ध, न, न। अब नेक्स्ट पेज नंबर 7, प, प, फ, फ, ब, 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 म, म। आपको भी मेरे साथ बोलना है य, य, र, र, ल, ल, व, व, श, 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 ह, ह, क्ष, क्ष, ज्ञ, ज्ञ, त्र, त्र और श्र। तो अब इस व्यंजन को हम शब्द के साथ देखते हैं। तो पहला है क। तो क से कमल। तो आपको भी मेरे साथ बोलना है क से कमल। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ग से गमला। ग से गमला। ग से घर। ग से घर। च से चरखा। च से चरखा। छ से छतरी। श से छतरी। ज से जग। ज से जग। ज से झरना। ज से झरना। त से टमाटर। त से टमाटर। थ, थ से ठठेरा। ठ से ठठेरा। ड से डफली। ड से डफली। ध, ध से ढकना। ढ से ढकना। अण, अण से बाण। अण से बाण। त, त से तलवार। त से तलवार। ठ, थ से थन। थ से थन। ड, ड से दरवाजा। ड से दरवाजा। ध, ध से धनुष। ध से धनुष। न, न से नल। न से नल। प, प से पतंग। प से पतंग। फ, फ से फल। फ से फल। ब, ब से बस। ब से बस। भ, भ से भगत। भ से भगत। म, म से मगर। म से मगर। य, य से यति। य से यति। र, र से रथ। र से रथ। ल, ल से लड़का। ल से लड़का। व, व से वजन। व से वजन। श, श से शरबत। श से शरबत। श, श से षटकोण। श से षटकोण। श से सड़क। श से सड़क। ह, ह से हल। ह से हल। क्ष, क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। ज्ञ, ज्ञ से अज्ञ। ज्ञ से यज्ञ। त्र, त्र से पत्र। त्र से पत्र। श्र, श्र से श्रवण कुमार। श्र से श्रवण कुमार। तो मित्रों, आपको इस व्यंजन शब्द के साथ भी समझ में आ गया होगा। अब हम
इस व्यंजन को स्पेलिंग के साथ देखते हैं तो वो है पहला क, तो कमल। ये देखिए आप लोगों को इस चित्र का देखना है, और क्या है ये, तो कमल। तो कमल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लोटस, LOTUS, ख। तो इस चित्र में देखिए क्या है ये, तो ये खरगोश। क्या है ये, खरगोश। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैबिट, RABBIT। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये है गमला। क्या है, गमला। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्लावर पॉट, तो FLOWERPOT, फ्लावर पॉट। अब नेक्स्ट, इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये घर। क्या है, घर। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउस। क्या कहते हैं, हाउस, HOUSE। अब नेक्स्ट, इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये चरखा है। क्या है, चरखा। तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पिनिंग व्हील्स, SPINNINGWHEEL, स्पिनिंग व्हील्स। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये छतरी। क्या है, छतरी। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अम्ब्रेला, UMBRELLA। अब नेक्स्ट, इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये जग। क्या है, जग। तो इसकी क्या स्पेलिंग है, जग, यानी JUG। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये झरना। क्या है, झरना, STREAM। अब इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये टमाटर। तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, टोमेटो, TOMATO। अब नेक्स्ट, इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये ठठेरा। तो इसे हमें क्या कहेंगे इंग्लिश में, थिंकर, TINKER। इस चित्र को देखिए क्या है ये, डफली। क्या है, डफली। तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, थंबराइन, यानी कि TAMBOURINE। इस चित्र को देखिए क्या है ये, ढकना। क्या है, ढकना। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिड, LID। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये बाण। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एरो, ARROW। तो ये क्या है, त से तलवार। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्वॉर्ड, SWORD। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये थन है, तो थ से थन। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, उडर, UDDER। इस चित्र को देखिए क्या है ये, तो ये दरवाजा, तो द से दरवाजा। तो हमें दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोर, DOOR। ध से धनुष, तो ये क्या है, धनुष। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बो, BOW। न से नल, तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, टैप, तो TAP। अब नेक्स्ट, प से पतंग, तो क्या है ये, पतंग। तो पतंग को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, काइट, KITE। फल, फ से फल, तो क्या है ये, फल। तो फल को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, फ्रूट, FRUIT। ब, ब से बस, तो बस को क्या कहेंगे इंग्लिश में, बस ही कहेंगे, तो BUS, बस। भ, भ से भगत, तो क्या है, भगत। तो इस समय इंग्लिश में क्या कहेंगे, DOTRY, DEVOTEE, DOTRY। म से मगर, तो मगर को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, क्रोकोडाइल, CROCODILE। य, य से यति, तो ये क्या है, यति, तो YATI। र, र से रट, तो इसी तरह देखिए क्या है ये, रट। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, चैरियट, CHARIOT। ल, ल से लड़का, तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉय, BOY। व से वजन, क्या है ये, वजन। तो वजन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेट, WEIGHT। स, स से शरबत, ये क्या है, तो ये शरबत। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिरप, SYRUP। स से षटकोण, तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेक्सागन, HEXAGON। स से सड़क, तो हमें सड़क को क्या कहेंगे इंग्लिश में, रोड, ROAD। हल, तो ये क्या है, हल है, ह से हल। तो हल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लो, PLOUGH। क्ष, स से क्षत्रिय, क्या है ये, क्षत्रिय। तो इसे हमें क्या कहेंगे इंग्लिश में, वॉरियर, WARRIOR। ज्ञ, ज्ञ से अज्ञ, तो हमें इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिचुअल सेक्रीफाइस, RITIALSACRIFICE।
सी आर आई एफ आई सी ई। त्र, त्र से पत्र, तो ये क्या है? पत्र। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटर, एल ई डबल टी ई आर। श्र, श्र से श्रवण कुमार, ये क्या है? तो ये श्रवण कुमार, हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? श्रवण कुमार ही कहेंगे, एस एच आर ए वी ए एन ए के यू एम ए आर। तो मित्रों आपको इस व्यंजन में स्पेलिंग के साथ भी समझ में आ गया होगा। मित्रों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 निकालना है, उसमें पढ़िए, अनुरेखन कीजिए और लिखिए। तो पहला व्यंजन है क, तो यहाँ आपको जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको ट्रेस करना है। मेरे साथ कीजिए, इस तरह आपको ट्रेस करना है, जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको ट्रेस करना है, और बाजू में जो ब्लैंक दी गई है जगह उसमें खुद से लिखना है। जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह आपको लिखना है। तो ये है पहला व्यंजन क, इस तरह आपको ये सभी व्यंजन को लिखना है। घर से क से श्र तक आपको इस तरह लिखना है। पहले जो चार लाइन है उसमें डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है और उसमें बाजू में ब्लैंक वाली जगह पे खुद से आपको घर से लिखना है। अब देखते हैं स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ अंग्रेजी और हिंदी वर्ण दिए गए हैं, तो यहाँ इसकी सही जोड़ मिलानी है। तो पहली लाइन में अंग्रेजी वर्ण है, दूसरी लाइन में हिंदी वर्ण है, तो जे ए, तो इसके साथ क्या आएगा? ज। तो इस तरह आपको मिलाना है। बी एच ए यानी कि भ, तो इसका यह भ आएगा। के एच ए यानी कि ख, तो इस तरह आपको ये जोड़े मिलानी है। एल ए यानी कि ल, के ए यानी कि क, एफ ए यानी कि फ, तो इस तरह आपको सही जोड़े मिलानी है। अब नेक्स्ट जे ए यानी कि ग, सी डबल एच ए यानी छ, टी ए यानी त, टी एच ए यानी थ, डी ए यानी ड, एन ए यानी न। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजन हिंदी में लिखे। तो यहाँ इंग्लिश में व्यंजन दिए गए हैं, तो आपको हिंदी में लिखना है। तो पहले है के ए यानी कि क, तो इस तरह आपको यहाँ क लिखना है। जे ए यानी कि ज, तो इस तरह आपको यहाँ ज लिखना है। डी ए यानी कि द, बी ए यानी कि ब, एल ए यानी कि ल, के एच ए यानी ख, जे ए यानी कि ज, डी एच ए यानी ध, के एस एच ए यानी क्ष, वी ए यानी कि व, जी एच ए यानी कि ज, एच ए यानी कि ह, पी ए यानी कि प, एम ए यानी कि म, एस ए यानी कि स, सी एच ए यानी कि च, एस एच ए यानी क्ष, आर ए यानी कि र, वाई ए यानी कि य, जी एन ए यानी कि ज्ञ। तो मित्रों आपको स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ गया होगा। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो मित्रों आपको ये यूनिट नंबर 2 रिवीजन वर्णमाला व्यंजन में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।